अच्छा भाई, अंदर बहुत खुसर खुसर चली हुई है और कुछ बातें मेरे कान में गई तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने बच्चों के लिए कुछ लेके आई थी। मैंने पापा इनके लिए इस तरह की चीजें नहीं लेके आते ना मार्केट से, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद गई थी मार्केट और मम्मा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें चली थी चुपके चुपके, शानवी और मिडिल की कलर कर रहे थे तब के से। अरे और ना मतलब सारी चीजें इनकी पसंद की, जैसे नमकीन, फिर जो जो मतलब इन्होंने आज लिख के दिया था ना मेरे पास पर्चे में, वो सब मैं इनके लिए लेके आई है। सब लाई थी, कोई चीज मिसिंग थी। अरे ग्लव्स भी चाहिए थे इनको, वो मैंने नहीं लिखे थे। ग्लव्स का क्या करना? ग्लव्स को पहनना है। इनके क्या करना? ग्लव्स से हाथ गंदे नहीं होते हैं। हाँ ले आऊंगी। तो मैंने ना एक ग्लव्स नहीं लिखे थे इसलिए नहीं लेके आई। और अभी बहुत मौज आ रही है इनको, आराम से नमकीन खा रहे हैं। कलर क्या कलर चला हुआ है मतलब ये देखो आज तो मतलब ना फिर से बोल दो एक बार मम्मा के लिए वो डायलॉग जो क्या बोल रहे थे। मम्मा चाहता दुनिया में कोई नहीं है। मतलब मैंने बोला ना मेरे पास नहीं, मम्मा नहीं खाएगी ना। अच्छा ठीक है। और अभी मम्मा आपके लिए क्या बनाने वाली है? शानू की फेवरेट चीज बनाने वाली है मम्मा। डब्बे वाली चाहिए इसको, गोल गोल लग गई ऐसे वाली, ऐसे बॉक्स वाली। हाँ ठीक है, तो मैं बोला मुझे डब्बे वाली चाहिए। ओके मम्मा, एक मेरा है ना, एक मेरे पैकेट है, एक खाता के। ओके तो ऐसा ऐसा मतलब ना इतना मस्का लगाया जा रहा है आज कि दोबारा जब मैं मार्केट जाऊंगी तो भूले से भी कुछ ना भूलूं। इतने मस्केबाज है मेरे बच्चे, स्पेशली ये मिट्टू अंदर बाथरूम में बैठा हुआ है। पता नहीं क्या क्या कहानियां गाया जा रहा है। मैं यहाँ ये कपड़े लेके आई ना, अभी रखे ही थे मैंने, पहले सोचा कि प्रेस भी कर लेती हूँ साथ साथ में ही, फिर इनको भी रख दूंगी। फिर गर्मी बहुत लग रही थी आज ना, बाहर का मौसम आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा तेज वाली गर्मी है। ये देखो बहुत तेज धूप है बाहर, हर मतलब मन नहीं कर रहा बाहर जाने का भी। तो ओके मम्मा ने अपने लिए लोअर खरीदा है और कमीज भी खरीदी है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। बर्फी बनाने के लिए ये मैं दूध में चीनी घोल रही हूँ ताकि मुझे चाशनी ना बनानी पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिनों तक तो स्टोर करके नहीं रखनी है, फ्रेश ही बनानी है और एक दो दिनों में ही हमने खा लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास था बटर और बटर का भी मैंने घी कन्वर्ट नहीं किया था, तो इसे ही मैंने बटर को ही जो है पहले कढ़ाई में डाल दिया है और उसके बाद फिर ये मैंने बेसन छान के रख लिया था, तो बेसन को भी ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से फिर अब हम इसे भून लेंगे। थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा हो गया और बेसन थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा और मैंने इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से फिर मैं इसे भून लूँगी। और कैमरा ना थोड़ा सा मुझसे हिल इसलिए रहा है क्योंकि मैंने हाथ में ही फ़ोन पकड़ा हुआ था, जो मेरा ट्राईपॉड है ना तो उसका एक साइड से वो मतलब मेरे से नीचे गिरा और वो टूट गया। फिर मेरे को रिपेयर करना आता नहीं है, तो पतिदेव भी अभी घर पे नहीं थे इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए इसी तरह से हाथ से काम चला लेती हूँ। तो एक हाथ में मैं फ़ोन भी पकड़ा था और साथ में ये भी चला रही थी। तो इसके अलावा देखिए मैंने ये अमूल का है, ये तो ये 10-10 रुपए के वाले जो पैकेट आते हैं, तो वो दो पैकेट ये दूध का। इससे क्या होता है ना कि एक मावे वाला टेस्ट आ जाता है, तो फिर मैंने ये ऐड किया। पिछली बार भी जब बर्फ़ी बनाई थी ना मैंने नारियल की, तो उसमें भी ऐड किया था, बहुत अच्छी बनी थी टेस्टी वाली, तो मैं ये दो पैकेट इसमें यूज़ किए हैं। तो बस अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हो बेसन काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है हमारा। और थोड़ी सी देर अच्छी तरह से मिक्स में इसे पाउडर दूध को इसमें कर लूँगी और थोड़ी सी देर बस पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं।
तो जैसे ही ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो दूध जिसमें हमने चीनी को घोला था। और अब बहुत ज़्यादा देर तक तो हम इसे नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो है, वैसे तो लो टू मीडियम ही मैंने बेसन को भी भुना था, तो बस जो भी दूध था आधा गिलास ही था लगभग, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ ताकि पता चलता जाए कि वहाँ बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। और बस फिर अभी मैंने थोड़ी सी देर से चलाया ताकि दूध अच्छी तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, और फिर अभी से ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास जो मतलब चौरस वाली ट्रे होती है वैसा तो कुछ भी नहीं था, तो थाली है छोटी वाली उसी में मैंने फिर ये डाल दिया, और अच्छी तरह से फिर मैं इसे फैला रही हूँ, मतलब एकदम प्रेस कर रही हूँ चम्मच से। था ना ठंडा होने के लिए ताकि फिर मैं इसको बाद में अच्छे से काटूंगी। और ये जो आप देख रहे हो ना, हमारे घर में एक बहुत बड़ा चोर घुसाया है और उस चोर ने ये चोरी की है। कौन है वो चोर, सामने आ जाए, मैं दिखा देती हूँ आपको शक्ल भी। तो ये है वो चोर, ये देखिए, तो इसने खाया। ये बार बार ना परे से आकर के, मैं सोचूंगी कि यार ये बार बार दरवाजे के छूटने की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो इस हमारे चोर ने इसको खाया। कितना खुश हो रहा है फिर नहीं। तो अभी काट लेते हैं भाई, क्योंकि मेरी शानवी की फरमाइश थी, और अगर इस चोर ने चुराया नहीं होता तो पहले मैं आपको एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ मुझे शानवी को। पहले शानवी के हिस्से में आएगा, बोलो बुला शानवी को, बोले ये ले तेरी बर्फी। हाँ इस चोर ने तो ना मानना है, ले गया वो काट के। अब ना बहुत इजी हो गया है, जैसे मर्जी इसको काटो। शानू गिर जाओगी इधर से। कैसी है केड़ी, बढ़िया की है, यही बढ़िया है, देसी घी वाली है, बढ़िया बढ़िया। नहीं मैं बाद में खाऊंगा, बाद में नहीं बीबी, बाद में मिठू हो दे ये दो दोनों हाथों बेटा। और ये बटन बटन इसने कैसे खोल लिया है, आ जाए जरा हीरो इधर बता मुझे क्या है होने वाला, हीरो दिखा कौन, हवा में उड़ने वाला हीरो है भाई ये तो। इसमें देखो बटन खोल दी, हाँ स्टंट देखो इसका एक बार। अच्छा ये कोई स्टंट था, और ये बिंदी कहाँ से चुराई है भाई, मैचिंग बिंदी मैचिंग चुंडू, बात जी वाह क्या बात है शानवी। अरे बात जी वाह क्या बात है। अच्छा और तूने ये सलमान खान की तरह खोल दिए हैं, मतलब अरे शानू ऐसे नहीं करो, शानबू सलमान खान बन गया है। यहाँ पे चुपके चुपके से हो रही है पेंटिंग, जैसा कि आपने बोला था ना कभी चुपके से जो ये खेल रहे हैं चुपचाप रिकॉर्ड करना, तो आज मैंने बस वही वाला काम किया है सिर्फ आपके लिए। ज्यादा क्यों ले रहा है, ज्यादा बस इसमें ज्यादा की उसने किया ज्यादा दे, मैं कौन सा लूं, मैं पे 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 सबसे पहले मुझे इस रेड की जरूरत है। रेड ओ पापा ने मेरे पीछे ले लिया तो तेरा तो यहाँ से खत्म हो गया, जिस दिन तक मेरा यहाँ से पिंक खत्म हो गया था तभी ले रहे यहाँ से, पर तेरे से खत्म शुरू कर दो। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। तो जी हम ना अभी तैयारी कर रहे हैं किसी पार्टी में जाने की, पार्टी और शानवी को चाहिए दो चोटू, तो मैं इसको दो चोटू कर रही हूँ, खुद मैं लगभग रेडी हो गई हूँ, पर गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है आज, मतलब ना धूप इतनी ज्यादा तेज। और हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, तो मैं भी लगभग तैयारी हो गया हूँ।
और बस जाना ये देखो मिट्टू भी तैयार हो ठहर हुई छानू तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना इसलिए मैं शानू को भी छोटू कर रही हूँ और खुद भी मुझे छोटी करनी पड़ेगी। आप क्यों चुप हो गए भाई बोलते बोलते बोलो तू भी लगाएगा नहीं ये वाला सेंट नहीं लगाती लड़कियाँ बस मत लगाओ मुझे फिर ना उल्टी जैसा हो जाता है पंखा करो तेज पे मैंने तो ऐसा है ये हमारा छोटू मल तैयार हो चुका है मुझे क्रीम लगाया मुँह पे क्रीम मैंने अच्छा मैंने उसके बेटे का बर्थडे है हम वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार तो हो गए हम तो तैयार भी हो गए अब ये तैयार भी हो चुके हैं बस अब जाना ही पड़ेगा इनको तो भाई ये देखो चुंडू दो में हमारी शान भी कुछ ऐसी लग रही है इसको सबसे ज्यादा शौक रहता है फ्रॉक घूमने का तो ये नहीं रही तो बस मैंने भी ना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और कुछ भी तो कहीं बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा लेकिन कुछ एक रिलेशन होते हैं ऐसे जहाँ पे चाहे आपका दिल हो चाहे ना हो जाना ही पड़ता है तो बस अभी हम लेट हो रहे हैं चलते हैं फिर तो अभी हम रास्ते में ही हैं और ना इतना बड़ा लंबा वाला जाम लगा है वो मैं आपको दिखाती हूँ भाई देखो शानू को दिखा रही हूँ हे भगवान शानू साफ है कुछ अच्छा मेला ही गिरा तो ये लो और ये हम पहुंच गए यहाँ पे ना तो बस अब यहाँ पे हमने गाड़ी लॉक की हुई है तो धूप ना बहुत ज्यादा है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। ये देखो खेत वगैरह और ये आपको साइड व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से हमें थोड़ा सा ये देख सकते हो आप रोड यहाँ हर जगह मिलेंगे आपको चाहे गांव किसी भी गांव में जाओगे आप हर जगह आपको लिंक रोड और बढ़िया रोड मिलेंगे गाड़ी अवेलेबल होती है गाड़ी तक। और हाँ पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत होती है कहीं कहीं गांव में ये नहीं है सारे में थोड़े बहुत जगह में हो जाती है जहाँ पे काफी ऊंची हाइट होती है लेकिन मैक्सिमम रोड्स बहुत अच्छे हैं हिमाचल में। तो बस अभी हम चल रहे हैं दीदी के घर में लता के घर में और देखते हैं वहीं पे अब क्या प्रोग्राम क्या पार्टी है उनकी। हाथ पकड़ लेना मिट्टू का चले इसी तो चली अभी बड़ी बड़ी हुई थोड़ी जाए ज्यादा बड़ी तो नहीं पर वही बोला हुई गई हाँ हैप्पी बर्थडे अरमान बोल मासी नमस्ते करने से भी कम से कम भी सोशल डिस्टेंसेस अपनाना है दूर दूर रहना है हाँ बहुत जरूरी है और थोड़ी शिक्षा सब दे दुआ हाँ
और अच्छा और मीटू से सैनिटाइजर लेके आए हैं लगाया था गाड़ी में नहीं जो आपकी मर्जी जूस पिलाना जूस पिला दे अच्छा हाँ कोई चार पांच बार हाथ धोते हैं साबुन से अच्छा दिन के चारों सब्जियां सैनिटाइज कर रहे हैं ना सब्जी नमक डाल के और गर्म पानी करना नमक डालना फिर खूब अच्छी तरह से धोनी फिर सुखोनी धूप में मतलब तभी ले जाते हैं ठीक है ठीक है लाओ जूस जा स्लिपा ओए नमस्ते करो ए मिठू मिठू को पाँव छूने चाहिए और शाली को दूर से नमस्ते नमस्ते करनी है दूर से पैर नहीं छूने किसी के किया ऐसा बताओ मुझे दूर से करनी है नमस्ते इसमें क्या नाम है तो बस जी आज की वीडियो की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग और बाकी कल के ब्लॉग में फिर बाकी का सारा जो भी है आपके साथ शेयर करूँगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू